going on guys? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome back to the video of Wobbly Life. And guys, आज हम लोग आ चुके हैं Wobbly Life की दुनिया में एक special mission लेकर के. तो guys, सबसे पहले तो मेरे को आप लोगों को एक cool सी चीज दिखानी थी. तो आप लोगों को तो पता ही होगा यार, दिवाली का मौसम अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले गया है. एंड हैप्पी दिवाली जिन लोगों को मैंने नहीं बोली थी. और ये देखो यहाँ पर ना गाइज एक पटाखे का पूरा सिस्टम है. तो भाई ये तो अपने घर से ज्यादा दूर है भी नहीं ब्रो. अरे भाई क्या बताऊं, मस्त यहाँ पे दिवाली का यार अपन लोग सेलिब्रेशन कर सकते हैं. और गाइज इवन दो Wobbly Life की दुनिया में दिवाली नहीं होती, यहाँ पर फायर वर्क्स जरूर है और बहुत प्यारे एंड ब्यूटीफुल फायर वर्क्स गाइज. एकदम रात का हम लोगों ने टाइम इसीलिए चूज किया था ताकि मैं इसको पूरी ब्यूटीफुल तरीके से आप लोगों को दिखा सकूं एंड आपको भी एक आइडिया लगे. एनीवेज हमारा मेन मिशन ये नहीं है आज का. आज हमारा मिशन होने वाला है गाइज, Wobbly Life के अंदर एक सीक्रेट UFO आया है, ठीक है. और ये जो UFO है ना गाइज, ये Wobbly 51 में है, ठीक है. तो बेसिकली एरिया 51 आप लोगों को पता है कि कैसे एलियंस वगैरह को रखा जाता है धरती पे. वहां पर ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन जो है वहां पर एलियंस रखते हैं. वैसे ही गाइज Wobbly Life के अंदर एक सीक्रेट एरिया है जिसका नाम है Wobbly 51. तो गाइज आज हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं और ये एक हाईली सिक्योर्ड सीक्रेट फैसिलिटी है जिसके अंदर एलियंस पर और भाई अलग अलग प्रकार की एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं गाइज. तो यहाँ पर हम लोगों को आज एक नया UFO अनलॉक करना है गाइज, जो कि सिर्फ और सिर्फ Wobbly 51 में मिलता है. तो आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं Wobbly 51 के एयरपोर्ट के ऊपर एंड इट्स टाइम टू लैंड आवर प्लेन. अब चलो भाई फटाफट से निकलते हैं एंड चलते हैं भाई Wobbly 51 के अंदर. तो ये भाई बहुत बड़ा दरवाजा यहाँ पर गार्डिंग कर रहा है. आप लोग देख सकते हो एक बहुत जबरदस्त मेटल डोर है जस्ट इन केस गाइज कोई अब अंदर से एलियन वगैरह यार बाहर ना चले जाए और भाई तबाही ना मचा दे, इसीलिए इतना खतरनाक सिक्योरिटी. और ये देखो यहाँ पर लिफ्ट भी है भाई, ये पूरा इंडस्ट्रियल लेवल का एलिवेटर लगाया है इन लोगों ने. तो भाई ये तो बहुत खतरनाक जगह है भाई, अगर मैं लिफ्ट के बीच में आ गया तो मैं पिस जाऊंगा ब्रो. अबे तो करना ही क्यों है तेरे को ऐसे काम. एनीवेज तो देख सकते हो ये रही हमारी फैसिलिटी गाइज एंड दिस इज आवर UFO. तो UFO नॉर्मल नहीं है ये गाइज, ये स्पेशल टाइप का UFO है जो आज हम लोग बनाने वाले हैं. एंड इसके लिए पहले मेरे को यहाँ पर नहीं, आई थिंक मेरे को पता है वो चार्ट वाली मशीन चाहिए. वो ये क्या है यार, ये नया अपडेट में आया क्या, ये होलोग्राम वगैरह भी ले आ चुके हैं गाइज. ये देखो बटन दबाते के साथ चीजें चेंज हो रही है. यहाँ पर UFO है, उसके बाद अगर बटन दबाएंगे तो ये पता नहीं क्या बन गया. लगता है इन सारी की सारी चीजों पे ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. रॉकेट भी आने वाला है गाइज फ्यूचर में, तो आप लोग एकदम स्टे ट्यून रहना, हो सकता है ये जो रॉकेट है ये बहुत जबरदस्त है. और ये देखो ये क्या भाई, ये तो मेटल डिटेक्टर है, देख रहे हो. मैं जा रहा हूँ तो ग्रीन है, चॉप जा रहा है तो लाल है. इसका मतलब चॉप तू कुछ अपने अंदर कैरी कर रहा है ना भाई. भाई मैंने बस इमरजेंसी के लिए चक्कू रखा है जेब के अंदर ब्रो. अबे चक्कू क्यों रखा है तूने? भाई वो क्या है कि कभी कभार आइसक्रीम के रैपर फाड़ने पड़ते हैं, इसीलिए मेरे को चक्कू की जरूरत पड़ जाती है ब्रो. अबे कैसे अजीब से काम के लिए चक्कू रखा है भाई इसने. एनीवेज तो गाइस हम लोगों को इस लैब के अंदर जाना है, बट इसके अंदर हम लोग जा नहीं सकते, अपने को ना कोट पहनना पड़ेगा. बिना कोट के एंट्री अलाउड नहीं है. तो लैब कोट का जो एरिया है ना वो यहाँ पर थैंक गॉड इन लोगों ने बना दिया. तो लैब कोट पहनने के पहले हम लोगों को अपने शरीर को अच्छे से धोना पड़ेगा, क्योंकि गाइस वो जो एरिया है ना वो बहुत ही ज्यादा क्लीन है एंड हमारे शरीर में कोई भी टाइप की गंदगी नहीं होनी चाहिए अंदर जाने के पहले. एंड अब टाइम है लैब कोट पहनने का. अरे नल खुला छोड़ दिया मैंने. हाँ चलो लैब कोट पहनते हैं एंड लेट्स गो. कौन सा है लैब कोट भाई? यहाँ पर आई थिंक ये रहा और आई थिंक इतना काफी है. आई मीन पैंट वगैरह तो मैं ऐसे ही पहन के जा सकता हूँ. भाई बीच पे घूमने आयो क्या भाई, लैब के अंदर चप्पल पहन के जा रहे हो ब्रो? अबे भाई तेरे को क्या दिक्कत है यार, ये मंदिर थोड़ी है जो मेरे को चप्पल उतारने की जरूरत है अंदर जाने के लिए. ऑलराइट लेट्स गो. कैसे हो बॉडीगार्ड? अरे अरे सिग्नल रेड हो गया. खैर हटाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, सिग्नल रेड करो, पीला करो, येलो करो. ओके तो गाइज मेरे को वो एरिया मिल गया जहाँ अपने को आना था. अबे चॉप के बच्चे कितना टाइम लगाएगा? भाई मैं पहले अच्छे से गॉगल पहन के आऊंगा ब्रो. ओहो फुल प्रोफेसर बन गया भाई ये तो. ऑलराइट तो गाइज ये देखो ये रहा वो एरिया. एक्चुअली यू नो व्हाट, ये गाय को यहाँ पे क्या कर रही है? ये लोग गाय को हवा में क्यों उड़ा रहे हैं? गाय तो फुल डिस्को कर रहा है यार. और ये क्या, अबे साइंटिस्ट लोग यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे हैं? मेरे को लगा एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे भाई. तो भाई जो काम करने आए हैं उस पे ध्यान दो ब्रो. हाँ तो गाइज ये देख रहे हो, ये रहा हमारा UFO का सीक्रेट फंडा. तो हम लोगों को चाहिए एप्पल, गोल्डन ब्लॉक और रेड पोशन. ये तीनों कंबाइन करेंगे तो ये सीक्रेट UFO ऑमलेट वाली बन जाएगी. अब मेरे को देखना है भाई, हो सकता है इस UFO में कुछ और स्पेशल पावर्स है, जैसे वो अंडा फेंक पाएगी लोगों के ऊपर, आई डोंट नो. उसको जानने के लिए हम लोगों को भाई वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा. तो यहाँ पर और भी काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर आप लोगों को देखना है भाई कि यहाँ पे सारे के सारे मिशन अपन लोग कंप्लीट करें, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो एंड हम लोग जितने भी मिशन Wobbly के अंदर है उन सारों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. बट अभी के लिए तो भाई मेरे को लिजिट यहाँ पर से निकल करके जल्दी से जाना है अपनी UFO को बनाने वाली जगह पर. ऑल राइट तो गाइज लोकेशन मिल चुकी है मेरे को. तो बेसिकली यहाँ पर भाई स्टोरेज एरिया भी है और यहीं पर सारे के सारे फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं. तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना, हम लोगों को यार एप्पल चाहिए,
एप्पल नहीं एक्चुअली वो टोमेटो है, ये देखो ये टोमेटो अपन लोगों को चाहिए। तो बड़ा अजीब सा इंग्रेडिएंट है पता नहीं क्यों, लेकिन अब बोल रहे तो भाई मान जाते क्या ही दिक्कत है। तो इसको फटाफट से अबे टोमेटो करने दो ना ये भाई चॉप नुबड़ा भाई बार बार गलत बटन दबा रहा है गाइस। ओके इंग्रेडिएंट टू होने वाला है हमारा गोल्ड ब्लॉक, तो गोल्ड को जल्दी से सेलेक्ट करते हैं। एंड ये हम लोगों ने इंग्रेडिएंट टू सेलेक्ट कर दिया एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द रेड पोशन। चॉप के बच्चे हाथ हटा ले भाई, मेरे को देखने दे। ओके तो तीनों हम लोगों ने कंबाइन कर दिए हैं, अब टाइम है भाई इसके लिए हम लोगों को बटन दबाना है। एंड ये देखो मशीन स्टार्ट हो गई, सबसे पहले उसके अंदर रेड पोशन डाल रहे हैं ये लोग, क्योंकि भाई एकदम सीक्वेंशियल ऑर्डर में बनाया जाएगा ये। भाई ये तो बहुत ज्यादा हाइपर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे ब्रो, क्या हमारी यूएफओ में कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा ब्रो? अरे नहीं होगा भाई, तू काय को टेंशन लेता है। ओके चलो तो अब हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट है टमाटर, ये टमाटर डाल रहे भाई यूएफओ में, अजीब ही लोग है, खाना खजाना चल रहा है क्या? ओके हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है एंड मिक्स होके आ चुका है गाइस। ओके हट जा चॉप, मेरे को उठाने दे, बहुत ही डेंजरस चीज है भाई, फट भी सकता है ये, और अब फट क्या सकता है, बोल दिया भाई, अब बताओ मैं ही लेके कूद गया, चलो कोई ना। ऑलराइट गाइस अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है भाई, देख रहे हो टाइम को वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है भाई, अभी निकलना पड़ेगा, वैसे भी बहुत ही जल्दी सुबह हो जाएगी और वॉबली लाइफ के लोगों को गाइस शक हो जाएगा। तो इससे पहले कि उनको शक हो, हम लोगों को ये काम रात में ही करना पड़ेगा जब सब कोई सो रहे हो गाइस। ओके तो हम लोगों ने यहाँ पर सबमिट कर दिया है फॉर्मूला, एड अनलॉक हो चुका है हमारा यूएफओ एग। चलो भाई फटाफट से इसको लेते हैं एंड निकलते हैं। ऑलराइट गाइस अब टाइम है इस यूएफओ को टेस्ट करने का। तो बेसिकली चॉप ने भाई अपनी यूएफओ मंगवा ली है, लुक एट दिस, है ना जबरदस्त भाई, मैंने बोला था भाई ये एलियन टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त चीज है। और गाइस अभी बज रहे हैं रात के 3 और 3 बजे भाई सब कोई मस्त अपने घर में ना सो रहा होता है भाई। अभी कुछ जगहों पर लाइट जल रही है क्योंकि कहीं कहीं पर ऑफिसेज में लोग काम कर रहे होते हैं भाई इतनी रात को भी, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस भाई अंधेरे से ढकी हुई है दोस्तों। एंड इसका मतलब है हम लोग जितना चाहे उतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट अपन लोग ये करेंगे कि गाड़ियों को उठाने की कोशिश करेंगे एंड लुक एट दिस, ये तो एकदम यूएफओ के जैसा ही काम करती है भाई। भाई तो आपके पास भाई एक ऐसा यूएफओ है जिसके ऊपर ऑमलेट रख दिया इन लोगों ने बस। हां वैसे ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है बट ये ज्यादा मेरे को बढ़िया लगा भाई। नॉर्मल यूएफओ तो एकदम कॉमन सा चीज होता है जो चॉप लेके घूम रहा है, लेकिन अरे अरे ये अंकल जी कहां जा रहे हैं? अरे अंकल जी इतनी रात को कहां जा रहे हैं ठंडी में? भाई अंकल जी लगता है दूध लेने जा रहे हैं ब्रो। अरे भाई सुबह के 3 बजे कौन जाता है? एक सेकंड गाइस, सुबह के 3 नहीं सुबह के 3:30 बज चुके हैं, हो सकता है ये अंकल जी सुबह में जल्दी जल्दी उठ के पार्क में कसरत करने जाते होंगे, तो इनको अकेला छोड़ देते हैं, बूढ़ों को वैसे भी परेशान नहीं करना चाहिए गाइस। अपन लोग देखते हैं और कौन जागा है वॉबली लाइफ की दुनिया में। अरे भैया रोड पे लोग नहीं दिख रहे भाई, इतना सन्नाटा कैसे छा गया आज वॉबली की दुनिया में? यूजुअली तो इतनी चहल पहल रहती है भाई साहब, इन लोगों को कुछ कहना नहीं है दोस्तों। भाई लगता है आज एकदम सब चद्दर तान के सोए हैं भाई। अरे क्या करोगे दोस्त, कोई ना अपन लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर से इनको चुराने की कोशिश करते हैं, ये डीलरशिप की गाड़ियां भी नहीं उठा पा रहे यार। ओ हेलीकॉप्टर गाइस, अरे अरे हेलीकॉप्टर को उठाना था भाई, फोड़ डाला मैंने। और बाय द वे एक ये चीज नोटिस किया आप लोगों ने, ये हेलीकॉप्टर बहुत पावरफुल है भाई। नॉर्मल यूएफओ या नॉर्मल प्लेन भाई बहुत इजीली फूट जाते हैं कॉन्टैक्ट में आने पे, बट ये यूएफओ भाई नॉर्मल से तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है। अरे भैया हॉस्पिटल के सारे एम्बुलेंस कबाड़ दिया मैंने, रुको रुको इसको अच्छे से उठाना पड़ेगा, आ जाओ मेरे साथ दोस्त, शर्माओ नहीं। अरे एम्बुलेंस भैया कहां लटक के रह गए भाई, और ये तो एम्बुलेंस फूटने वाली है। ओए टैक्सी के बच्चे, लगता है टैक्सी ने देख लिया गाइस हमारा लिटिल सीक्रेट। भाई टेंशन मत लो, बाद में मैं उसको भी उड़ा दूंगा ब्रो। अरे अरे ये तो एकदम हिटमैन बन गया भाई। ओके इस एयरप्लेन को चलाए क्या? रुको गाइस इस एयरप्लेन को उठाते हैं, चल एयरप्लेन आज तेरे को बताता हूँ मैं। अरे अरे कहाँ चला गया ये, एक सेकेंड आराम से। ओ ओ ओ ओ भाई एक तो इसको कंट्रोल करने में इतनी दिक्कत आ रही है ना गाइस। ऑलराइट हियर वी गो। अरे नहीं 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 भाई रहने दो उसको, वो रहने दो भाई पलट चुका है वो। ओके तो गाइस अब भी बजने वाले हैं सुबह के 5, चलो यहाँ पर से जल्दी से निकलते हैं और कहीं और जाते हैं। ऑलराइट गाइस तो बेसिकली रात में क्या हुआ ना भाई, बहुत ज्यादा रात हो गई थी, हमारा यूएफओ भाई फूट गया एंड अपन लोग ने डिसाइड किया कि चलो भाई अभी अपन लोग वापस घर जाते सो जाते, सुबह बाद में उठेंगे एंड उसके बाद भाई धमा चौकड़ी फिर से करेंगे। तो गाइस अभी के लिए हमारा मिशन है ना कि हम लोगों ने जो यूएफओ क्रैश किया उसके बारे में पुलिस वालों ने भाई हमसे पूछताछ करने के लिए हमें हॉस्पिटल बुलाया, पुलिस स्टेशन बुलाया है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, लगता है अभी तक यूएफओ का भाई शौक उतरा नहीं है मेरे दिमाग के ऊपर से। भाई अरे मेरे को तो पिकअप कर लो ब्रो। अरे पिकअप कर रहा हूँ, टेंशन ना ले दोस्त। ऑलराइट ये देख तेरे लिए फ्रॉस्टी भाई खुद हेलीकॉप्टर लेके आया है, और तू क्या कर रहा है? अबे ये क्या हो गया चॉप को? भाई अरे मुंह धो रहा हूँ भाई, टेंशन मत लो यार। अरे अरे आज तो कौन मुंह धो रहा है, ऐसा लग रहा है भाई दारू पी के बेहोश हो गया है, व्हाट द हेल। एक सेकंड गाइस इसको निकालने दो। अबे भाई साहब सुनो मेरी बात, ऐसे ऐसे नहीं लेटा करते भाई पानी के अंदर। भाई आप तो धक्का देकर डुबा डालोगे भाई इंसान को। अरे आज तो कौन सोता है भाई, ऐसा लग रहा था मर गया है कोने में। ऑलराइट चलो भाई जल्दी से चलते हैं पुलिस स्टेशन। गाइस मेरा काम है ना बस पुलिस स्टेशन के पास जाके ऐसे सीसीटीवी कैमरा में मुंह दिखा दूंगा मैं और भाग जाऊंगा, क्योंकि देखो पुलिस वाले भाई बहुत सारा
पूछ अपने से भाई, बहुत पूछताछ करेंगे भाई, क्वेश्चंस पूछेंगे कहां से लाया तुम लोगों ने यूएफओ, एंड अपन लोग कैसे जवाब देंगे कि भाई हम लोगों ने जा करके भाई ऐसे साइंटिस्ट लोग की मदद कर दी और उनसे यूएफओ ले लिया, वो भाई हमारी बकवास पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, उल्टा वो हमें एलियन समझ के भाई अपने को लॉकर के अंदर बंद कर देंगे। और भैया ये क्या हो गया, शिट भाई, एक तो मेरे से हेलीकॉप्टर नहीं चलती है गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, पूरी फोड़ दी भाई मैंने। तो भाई आपको बोलता हूँ भाई, एक छोटा सा काम नहीं होता है आपसे, पुलिस स्टेशन जाना मेरे ऊपर छोड़ दो ब्रो। अरे नहीं 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 भाई, चलो पुलिस स्टेशन चलना है भाई अपने को, यू नो कैसे जाऊँ मैं, ओके टैक्सी दिख रही है चलो उससे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो नाउ इट्स टाइम टू गो टू द पुलिस स्टेशन, और ये रहा पुलिस स्टेशन। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर से इनकी गाड़ी भी ले लेता हूँ ताकि यार इन लोगों ना भाई पता चल जाए कि अपन लोग एक बार आए थे। भाई ये कौन सा बात होता है, मतलब बताने के लिए सीधा चोरी कर डाली भाई, और ये तो पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है ब्रो। अबे ये पुलिस ऑफिसर की नहीं, पुलिस डिटेक्टिव की गाड़ी है दोस्त। एनीवेज गाइस, आई थिंक यार वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, पुलिस वालों से तो मैं भाई जिंदगी भर निपटता रहूंगा। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे फ्रॉस्टी।